पाठ का शीर्षक है मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभुबेन से कहा। लाभुबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभुबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभुबेन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे, भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। बस 2 रुपए? भीखू भाई ने आंखें फैला कर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा। नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले, टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। टमाटर ले लो, मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी, आलू गोभी टमाटर। माथे का पसीना पोंछ कर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई 1 नारियल कितने में दोगे। सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। शू छे भाई, भीखू भाई ने कहा। ये क्या,
मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम ये लो पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं। काका, ये कोई पूछने वाली बात है? केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा, 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा हैं। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। ये लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं। जब उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा तो जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मन पसंद दाम में। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सहज बात तो ये थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। भीखू भाई ने सोचा, 2 गुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का 1। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, 1 नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा,
अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना। ये रहा पेड़ और वो रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहां नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच? हाँ। जितना चाहूं ले लूं। हाँ हाँ। ओ। भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाए। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी न दूं। क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। ज़िक, पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। अब मैं क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ! भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वो आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते? इतने में एक घुड़सवार आया। अरे सांभलो छो! पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ, बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। एक मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। ये सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। एक, दो और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से।
काका काका कस के पकड़े रहना। घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। काका काका। अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपए दूंगा लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपए। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त ही मुफ्त। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर मंजुला माथुर, पाठ समन्वय डॉक्टर लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख ममता पांडेया, अनुवाद संध्या राव, कलाकार राजश्री त्रिवेदी, बाबला कोचर, बी एल टंडन, कीमती आनंद, अशोक मलकानी और शांति एस कालरा। तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी